सफाई कर्मचारियों ने संगठन पदाधिकारियों के साथ 17 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि पीएफ कट रहा है, लेकिन कहां जा रहा है इसका पता नहीं। कहीं यह पीएफ घोटाला कांड तो नहीं? वेतन पर आश्रित सफाई कर्मचारी समय पर वेतन नहीं मिलने से गृहस्थी चलाने में परेशान है। काम समय पर लेकिन वेतन को लेकर लेट लतीफी। सरकार को स्वच्छता अभियान की फिक्र है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के समय पर वेतन न मिलने पर उनके गृहस्थ और जीवन यापन किन मुसीबतों से करना पड़ रहा है इसकी फिक्र नहीं। समय पर सफाई चाहिए, लेकिन समय पर वेतन मिले इसके लिए गंभीरता नहीं। संगठन प्रदेशाध्यक्ष के साथ इन्होंने अपनी ऐसी ही 17 सूत्रीय मांगों को लेकर खरगोन में कलेक्टर, श्रम विभाग और अन्य विभागों में गुहार लगाई। सुनिए क्या कुछ पीड़ा है इनकी और श्रम विभाग के श्रम निरीक्षक ने क्या कुछ निराकरण करने का कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। कैसे आए हो आप लोग? ये सनावत के कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी। मैं तो प्रांतीय अध्यक्ष हूँ भारतीय सफाई कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? खंडवा छित चौधरी छितर चांगरे। सनावत में कहाँ पर कर्मचारी है आपका? ये सनावत में नगर पालिका। क्या कोई समस्या है इनकी? समस्या इनकी ये है कि नहीं समय पे इनका वेतन मिल रहा है क्या, और ना ही इनका वेतन अपने ईपीएफ काटा गया है तो ना ही खाते में जमा है नहीं कुछ, और इनका एपीएफ काट लिया गया। 4.5 साल से एपीएफ काट रहे हैं। 4.5 साल से एपीएफ काटा जा रहा है, लेकिन इनको पता भी नहीं चल रहा है क्या? पता भी नहीं चल रहा है, खाते में भी नहीं जमा है। और खाते में भी नहीं जमा है, कोई पावती दी गई है। अच्छा, है ना। तो इसीलिए हम आज माननीय महोदय जी से मिलने आए थे, कलेक्टर महोदय जी से। वो बाहर होने के कारण हम मिल नहीं पाए। तो आपने आवेदन दे दिया उनको? जी। और कहाँ कहाँ पे आवेदन दिया आपने? आवेदन हमने श्रम अधिकारी को भी दिया है, एसडीएम को भी दिया है, थाना प्रभारी को भी दिया है, अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष को भी दिया है, और मुख्य तो इसके कार्यपालन अधिकारी इसके को भी दिया। पहले आपने आवेदन कब कब दिए थे? क्या पहली बार? पहले हमने 6 जून को दिया था, दूसरा आवेदन हमने 22 जून को दिया, और तीसरा आवेदन हम आज 4 जुलाई को दे रहे हैं। इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं की जा रही है? उपरांत भी आज तक सीएमओ के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई, न ही संघ के लोगों को बुलाकर चर्चा की गई। अच्छा, और क्या कुछ समस्या है इनकी? समस्या तो आपकी और भी क्या कुछ समस्याएं हैं? जैसे आप जैसे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी वहां पर पदस्थ हो, तो आपको जो शासन की ओर से जो है संसाधन दिए जाते हैं सफाई कर्मचारियों को, वो संसाधन मिलते हैं कि नहीं मिलते? सामग्री? अच्छा, आप लोगों को जो सामग्री भी नहीं दी जाती है सफाई के लिए? ठीक है, जैसे आपको वर्दी वगैरह दी जाती है, ड्रेस दी जाती है, दस्ताने वगैरह? अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? आप वहाँ पर किस पोस्ट पर हो? सनाव नगर पालिका में। और क्या समस्या है आप लोगों की? सर, वेतन को लेके है, खास करके जो समय पे मिलता नहीं है, और ईपीएफ को पेमेंट वगैरह को लेके। तो वेतन आपको मतलब समय पे नहीं दिया जा रहा क्या? तारीख पे नियुक्ति नहीं है सर। अच्छा, और पहले का भी पेमेंट रुका हुआ है। तो ये समस्या कब से बनी हुई आपको, वेतन जो नियमित नहीं दिए जाने का? साल भर से या इसके पहले से भी है? साल भर से इसके पहले, इसके पहले से भी है? कितने सालों से है? अच्छा, साल भर से ही है। अच्छा, तो इस संबंध में आपने वहाँ के सीएमओ या नगर पालिका अध्यक्ष इनसे कोई शिकायत नहीं की क्या? लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सनावत से अभी कुछ नगर पालिका सनावत के कर्मचारियों को लेकर के समस्याओं को लेकर आए थे आपके पास, क्या कुछ समस्याएं थी, आपने क्या कुछ निदान किया उनका? हाँ, यहाँ पर समस्त यूनियन के संघ पदाधिकारी उपस्थित हुए और इनके द्वारा 17 सूत्रीय मांगों को एक पत्र हमें प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में ये पत्र मेरे पूर्व में प्राप्त हो चुका है, दिनांक 3 जुलाई को एक पत्र जारी किया गया है मुख्य नगर पालिका अधिकारी सनावत को, 7 दिवस में प्रस्तुत होने के, जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। तत्पश्चात जो भी कार्रवाई होगी उससे अवगत कराएंगे। बताया जा रहा है इनका पीएफ भी काटा जाता है, लेकिन इनका पीएफ नहीं, इनको ना तो इनको सूचना दी जाती है, ना कोई पावती दी जाती है, इनको पीएफ जो है वो पीएफ कहाँ जा रहा है सर? पीएफ संबंधी जो है, मैंने पहले भी इनको निर्देश दिया था, पीएफ संबंधी इसके लिए हमारा ईपीएफ कार्यालय है, वहाँ आवेदन कर सकते हैं। पीएफ काटा जा रहा है इस संबंध में, और जो अन्य बिंदु है श्रम विभाग से संबंधित, उसके लिए पत्र जारी किया है, जो आगामी तारीख में जो भी कथन में जो भी निकल के आएगा उसके बाद देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। वेतन जो है, इनको वेतन भी मतलब समय पे नहीं दिया जाता, ऐसे में इनका घर कैसे चलेगा सफाई कर्मचारियों का? इसके लिए तारीख रखी। क्या नाम सर अपना? अमित डोडवे।
कौन सा पद सर? लेबर इंस्पेक्टर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।